नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी। अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज का वीडियो स्पेशली CHSL 2020 और SSC MTS 2021 के उन बच्चों के लिए है जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में राइटिंग का कितना इम्पोर्टेंस होता है, राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है वो राइटिंग पे बेस्ड है या राइटिंग इज़ द पार्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इसी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ कि राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि डिस्क्रिप्टिव का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक्चुअल में ये जो एग्ज़ाम होता है उसका रीज़न ये है कि वो आपके जो लिखने की स्किल है उसको चेक करते हैं। अब है ये जो एग्ज़ाम है वो क्यों लिया गया, क्यों SSC ने इस एग्ज़ाम को स्टार्ट किया, उसके पीछे का आप रीज़न समझो। क्या होता था जब डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम नहीं होता था CHSL में, तो डायरेक्ट आपका टाइपिंग होता था Tier 1 के बाद, और SSC CGL में कुछ पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू होता था। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट सेलेक्ट होके गए तो एक्चुअल में उनके अंदर एप्लीकेशन लिखने की भी स्किल नहीं थी। तो SSC ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया कि एक्चुअल में जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनके अंदर ये स्किल तो हो कि कम से कम वो लेटर या एप्लीकेशन लिख सकें, कम से कम उनके अंदर लिखने की गुणवत्ता तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पे आपके लिखने का जो स्किल है उसको चेक किया जाता है, ना कि आपकी राइटिंग को। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अच्छे नंबर मिलते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि अगर राइटिंग बेकार है आपकी तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल अच्छे नंबर मिलेंगे। राइटिंग से मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, चाहे आपकी राइटिंग अच्छी हो या बेकार हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर SSC के जो एग्ज़ामिनर हैं उनको अगर जो भी आप कहना चाहते हैं वो बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, बस आपकी राइटिंग ऐसी है जो पढ़ने योग्य है, जिसे पढ़ा जा सकता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइटिंग का इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, 1-2 नंबर का हो सकता है फ़र्क पड़ता हो, बाकी इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपकी जो स्किल है उसका चेकअप होता है। अगर आपने अच्छा लिखा है, आप अच्छा लिख के आए हैं, आप सामने वाले को जो एग्ज़ामिनर है उसको सेटिस्फाई करवा पा रहे हैं, अपनी बातों को इतने अच्छे तरीके से कह पा रहे हैं कि सामने वाला आपकी बातों को समझ पा रहा है, बस वो चीज़ें मतलब देखने योग्य हों, उनको देख के पढ़ा जा सके, बस राइटिंग ऐसी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि राइटिंग स्पष्ट आपकी होनी चाहिए, भले अच्छी ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लिखा है वो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि ऐसे हो चाहे आपका लेटर हो, एक्चुअल में ये चीज़ ऐसे में बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि लेटर में तो सिर्फ आपको क्या होता है, वहाँ पे सारा कुछ आपका सिस्टमेटिक है कि आपको राइटर एड्रेस लिखना है, रिसीवर एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, बाकी जो कंटेंट है वो उसमें लिखना है, लेकिन जो आपकी स्किल है वो कहीं ना कहीं ऐसे में बहुत ज़्यादा निखर के सामने आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत जो आप करते हैं, शुरुआत का जो आपका 4 से 5 लाइनें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो कोशिश हमेशा ये करिए कि जब आप ऐसे लिखें तो जो शुरुआत की लाइनें हैं उसमें आपका वो सारा सार समझ में आ जाए एग्जामिनर को, जो आप कहना चाहते हैं, जो आपको टॉपिक मिला है उसका पूरा सार उसको समझ में आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत का पार्ट और लास्ट का पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट तो पूरा ऐसे होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा वरीयता दी जाती है, वो एग्जामिनर अच्छे तरीके से पढ़ता है और उसी को पढ़ के वो सारा कुछ आपका समझ लेता है कि आप कितने पाने में हो। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि एक्चुअल में राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, राइटिंग इतना कोई खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, बस आपकी जो राइटिंग है वो स्पष्ट होनी चाहिए, अच्छी या ख़राब इससे कोई लेना देना नहीं है SSC को, बस वो जो पूछ रहे हैं उन्हें अगर आपकी बातों से वो सही एक्सप्रेशन मिलेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अभी ढेर सारी मैं RTI कॉपी आपको दिखाऊंगा। इससे अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ऐसे में किस पार्ट के कितने नंबर मिलते हैं, मतलब जो मार्किंग होती है SSC की वो किस तरीके से होती है। और इस चैनल पे आपको Tier 2 के रिगार्डिंग सारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे मैं आपको डिलीवर करता रहूँगा, कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आप SSC CHSL 2020 Tier 2 के एग्ज़ाम में 70+ स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट कोर्स है जहाँ पे हम आपके वीडियो लेक्चर के माध्यम से सारे डाउट क्लियर करते हैं, सारे टॉपिक आपको समझाए जाते हैं, ऐसे की PDF, लेटर की PDF, और डेली आपको वर्क मिलता है, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको फीडबैक मिलता है। अगर आप 70+ स्कोर करना चाहते हैं तो ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना होगा, क्योंकि लिखना एक कला है, लिखना
सीखना एक दिन में नहीं आता, और कहीं ना कहीं CHSL वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो अपने नंबर इसके थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज ही हमारे कोर्स के साथ आप इनरोल कर सकते हैं, और डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो 70+ स्कोर आपका आएगा। अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 6307185699, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो जो भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की वो अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा स्टूडेंट तक एक राइट कंटेंट पहुँचे। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।